नमस्कार दोस्तों, शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह को हम सभी जानते हैं कि आंखों नेत्र कारक माना जाता है, लेकिन क्यों माना जाता है जानिए इस वीडियो के दौरान। हम सभी जानते हैं बलि को, बलि जो कि एक दानवीर राजा था। बलि के गुरु यानी कि द्रोण शुक्राचार्य भी उन्हीं के आयोजन पर एक यज्ञ करवाया और बलि ने उस यज्ञ में भगवान विष्णु के अवतार में बलि प्रकट हुए थे और बलि ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ दान में। तो उन्होंने कहा आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। लेकिन बलि दानवीर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रकर्मी भी थे। शुक्राचार्य ने उन्हें कहा कि ये विष्णु के अवतार हैं वामन, इनको कोई भी वादा या फिर प्रॉमिस नहीं करना है जिससे कि तुम कंगाल हो सकते हो। लेकिन बलि अपने गुरु की बात ना सुनकर वामन को वादा कर देते हैं और उसमें वह तीन पग मांग लेते हैं और तीन पग मांगने पर वह जैसे ही पग मांगने के लिए कहते हैं तो जल से जैसे ही वो बोलते हैं कि हाँ मैं राजी हूँ तुम्हें देने के लिए, तो उस जिस कलश से वह जल को ले रहे थे उस कलश के ऊपर शुक्राचार्य ने बाधा डाल दी। जब जल को पलटा जा रहा था तो उस समय जल लोटे से निकला नहीं, तभी भगवान विष्णु समझ गए कि शुक्राचार्य अपने ही शिष्य को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तभी उन्होंने एक तिनका लेकर उस कलश में डाल दिया जिसकी वजह से शुक्राचार्य की एक आंख चली, जिसमें एक पग में भूमि का दान लिया और दूसरे पग में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया, जिसकी वजह से तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची। उन्होंने पूछा बलि से कि क्या अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। भगवान के इस क्वेश्चन का जवाब बलि ने कहा कि आप ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और इस बड़े दानवीर को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें समस्त राज्य प्रदान दिया और अगले ही पल उन्हें इंद्र का भी पद प्रदान दिया। तो ये थे बलि की कहानी और भगवान शुक्राचार्य की कहानी। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।